तो गाइस देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास है रॉयल एनफील्ड का हेलमेट है और इसमें कुछ करना है डिजाइनिंग और ये अभी अभी लेकर के आए हैं शोरूम से परचेज करके भैया। बाइक इनका देख पा रहे हैं हंटर, ये बाइक में भी हमको करना है फुल्ली मॉडिफाइड टैंक में, बिल्कुल न्यू बाइक है। तो फिलहाल हेलमेट में करते हैं। बाइक के लिए वीडियो के लिए आप जो है वेट कीजिए, लगभग सप्ताह भर या दो सप्ताह के अंदर में कई यूनिक सा डिजाइन आने वाला है। चलिए देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास देख पा रहे हैं ये गोल्ड विनाइल है और ये गोल्ड विनाइल से ही हम डिजाइन करने वाले हैं। वजह क्या है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है ये गोल्ड में लिखा हुआ है, इसी कलर से यहाँ पर एक बीट देने वाले दोनों साइड, इससे देखने में काफी अच्छा लगेगा। इसका जो बीट दे रहे हैं वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2mm है, 2mm का हम यहाँ पर ले रहे हैं। अगर साइज आपको लेना है तो 2mm लेना है, ये एक बीट का यहाँ पर 2mm, देखे 4mm इधर से 2mm, 2mm का ये बीट ले रहे हैं। और ये एक पतला बीट कट रहा है दोस्तों के साइड में देने के लिए। डिजाइन में जो है दोनों साइड बीट आ रहा है इसलिए हमको 4 बीट लेना पड़े। तो फाइनली गाइस ये हमारा कट गया, ये दो बीट एक में लगेगा। और ये हमने मशीन से इसलिए नहीं काटा क्योंकि ये जो विनाइल है ये ज्यादा मोटा है और ये अच्छा है, इसका लेयर लगभग 250 माइक्रोन के आसपास का है, इसलिए हमने हाथ से कटा है, ये मशीन में नहीं कटेगा। जो हम 2mm का बीट लगा रहे थे वो नहीं लगा चूंकि यहाँ पर राउंड है, ये मुड़ नहीं रहा, तो इसके वजह से हमने इसको पतला किया है। और एक्यूरेट माप के लिए एक बीट आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर, ये जी इससे जो जितना स्पेस हम यहाँ पे रखे यही स्पेस उधर नाप के कर लेंगे। पहले ये बीट हम लगा देते हैं और फिर इसी के अनुसार जो है सीधा करके वो बीट हम लगा देंगे। दबा पकड़िएगा। और ये जो बीट है ये बीट अभी निकाल देंगे क्योंकि ये माप के लिए बीट हमने लगाया था ताकि एक्यूरेट वो लग जाए। और इसको अभी थोड़ा सा हीट कर देते हैं ताकि बहुत अच्छे से पकड़ बना ले। जब भी ये बीट लगाए तो बाद में हीट कर दे, आपका जो गम है वो हीट करने के बाद ही एक्टिव होता है। तो ये हमारा हो गया और इसको निकाल देते हैं ये वाला बीट को। इसके बाद जो बीट लगेगा वो थोड़ा सा पतला लगेगा, ये हो गया। तो यहाँ पर आराम से कट कर देते हैं, कट हो गया। और ये हमारा चाकू भी इसमें नहीं लगा, हेलमेट भी सेफ हो गया। अगर बीट लगा के करते तो चाकू का दाग इसमें आ जाता, बीट पे कट होता। तो इधर का स्पेस है यहाँ पे 4mm का है, तो यहाँ भी हमको 4mm लेना है इस तरह से माप के। तो 4mm में आपको दाग दे दिए इस तरह से, ये दाग हो गया, दिख रहा है कि दिख रहा। और 4mm के बाद हमको बीट लगाना है, तो ये बीट जो है यहाँ से लगेगा, तब जाके ये गैपिंग होगा। इधर का भी नाप लेते हैं, इधर का है 3mm, यहाँ भी इस तरह की। तो फाइनली गाइस ये हो गया है कंप्लीट, देख पा रहे हैं काफी खूबसूरत लग रहा है। इसको जो है जिनका बाइक है उनको पहना के देखते हैं कैसा लगता है और बाइक पर देखते हैं सूट करता है कि नहीं, काफी अच्छा लग रहा है।